हाँ जी नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो सुबह की 6 बजे वाली क्लास के साथ आपके सामने हाजिर हो गए हैं, तो सभी जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। देखो, अपने पिछले 2 दिनों से जो क्लासे है वो नहीं डाल पाए, इसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। इसका रीजन ये था कि पीछे वो नेट बंद हुआ था, तो ऐसा कहा गया था कि 3 दिन बंद रहेगा, और इस चक्कर में वीडियो नहीं बना पाए और मैं घर चला गया था, जिसके कारण वीडियो नहीं आए और अपनी सीरीज भी एक तरह से टूट ही गई है। लेकिन मैंने पहले ही बोला था कि 365 नहीं, 350 या 60 दिन जो है ये अपनी क्लासें, 350 या 60 क्लासें 365 दिन के अंदर कंप्लीट होगी। तो आज का अपना प्रश्न जो है वो है मेवाड़ के पित्रहंता से संबंधित है, कि किस शासक को मेवाड़ का पित्रहंता शासक कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शन नंबर ए में उदा है, ऑप्शन नंबर बी में मालदेव है, ऑप्शन नंबर सी में भक्त सिंह है, और ऑप्शन नंबर डी में है जगदेव। इनमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए में उदा दिखाई दे रहा है। उदा के पिता का नाम था महाराणा कुंभा। उदा के पिता का नाम था महाराणा कुंभा, और उदा जिन्होंने अपने पिता महाराणा कुंभा की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी, जिसके कारण उदा को मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। उदा को मेवाड़ का पितृहंता कहते हैं, और साथ में यह भी कहा जाता है कि उदा की बिजली गिरने से क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। उदा की बिजली गिरने से क्या हो जाती है साथियों, बिजली गिरने से उदा की मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी में आपके सामने है मालदेव। साथ में महाराणा कुंभा जो है इनसे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, इनकी एक उपाधि है अभिनव भट्टाचार्य। वैसे तो महाराणा कुंभा की टोटल 108 उपाधियां हैं, और इनमें से इनकी एक उपाधि है जिसका नाम है अभिनव भट्टाचार्य। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था जूनियर अकाउंट के एग्जाम के अंदर। ऑप्शन नंबर बी में मालदेव, जिनको 52 युद्धों का विजेता कहते हैं, साथ में हशमत वाला राजा कहा जाता है। साथ में इनको 52 युद्धों का विजेता, हशमत वाला राजा, महान पुरुषार्थी, राजकुमार के नाम से किसको जाना जाता है, मालदेव को जाना जाता है। और मालदेव जिनके पिता का नाम था राव गंगा, मालदेव के पिता का नाम था साथियों राव गंगा नाम था, मालदेव के पिता का नाम था राव गंगा, और मालदेव ने अपने पिता गंगा की हत्या की थी, जिसके कारण मालदेव को मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कहते हैं। मालदेव को मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कहते हैं। इसका मतलब ये है कि भाई जो मारवाड़ है, इस मारवाड़ में दो पितरंता हुए थे, पहले जो हुए थे जिनका नाम था मालदेव। ऑप्शन नंबर सी में आपके सामने भक्त सिंह, और भक्त सिंह जो थे इनके पिता का नाम था अजीत सिंह, और भक्त सिंह के एक भाई भी थे जिनका नाम था अभय सिंह। और भक्त सिंह जो थे, इस भक्त सिंह ने अपने भाई अभय सिंह के कहने पर अजीत सिंह की हत्या की थी, जिसके कारण अजीत सिंह जो इनकी हत्या करने के कारण भक्त सिंह को मारवाड़ का दूसरा पितृहंता कहा जाता है। इनको मारवाड़ का दूसरा पितृहंता कहते हैं। मारवाड़ का दूसरा पितृहंता किसको कहते हैं, तो मारवाड़ का दूसरा पितृहंता जो है ये कहा जाता है भक्त सिंह को। जगदेव जो था, इस जगदेव अपने चौहानों में एक राजा हुए थे जगदेव, और जगदेव के पिता का नाम था अर्णोराज। जगदेव के पिता का नाम क्या था, अर्णोराज नाम था जगदेव के पिता का, और जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी, जिसके कारण जगदेव को चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। जगदेव को चौहानों का पितृहंता कहते हैं। जगदेव को कौन सा पितृहंता कहते हैं, चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। ये सभी ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा, ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। प्रत्येक क्लास के लास्ट में जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है, उस कड़ी में आज की क्लास का प्रश्न ये है कि प्रतिहारों का पितृहंता किसको कहा जाता है। प्रतिहारों का पितृहंता जो है, इसको आपको जो है वो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है। तो जल्दी से क्लास को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर करके, और कमेंट कीजिएगा कि इसका उत्तर कौन सा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।